हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी क्विक होने वाला है। और अगेन ये क्रिप्टो से रिलेटेड है, क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड है और क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड है। क्रिप्टो लीगल होगा कि नहीं होगा या लीगल हो चुका है, क्योंकि भाई क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लग रहा है, डिजिटल एसेट्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो राइट नाउ कल 1 तारीख को ये एक न्यूज़ निकल के आई कि जो भी डिजिटल एसेट्स के ऊपर ट्रेडिंग वगैरह हो रही है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब इसको लेके कह सकता हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा माथापच्ची हो चुकी है। ठीक है, कहीं से न्यूज़ निकल के आ रही है कि ऐसा होगा, कहीं से निकल के आ रही है वैसा हो रहा है। सीजेड ने एक ट्वीट डाला है कि नाउ क्रिप्टो इज़ लीगलाइज्ड इन इंडिया, क्योंकि उस पर टैक्स वगैरह लग रहा है। तो मेरी जो बात है, और भी जो एक्सपर्ट्स हैं जो हम ग्रुप में बात करते हैं, तो जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनके फाउंडर्स वगैरह से बात हो रही है, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट सीएस हैं उनसे भी बात हो रही है कि भाई ये जो पूरा मसला है इसको किस हिसाब से देखना चाहिए और किस हिसाब से यूज़र को समझाना चाहिए। तो सबका यही कहना है अभी कि ये जो चीज़ है ये अभी एक टोटली न्यू है, टैक्स लग रहा है, लेकिन टैक्स अभी किस हिसाब से लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम पे लग रही है। ओके, जो भी आप इनकम कर रहे हो उसमें उस पर लग रही है, प्रॉफिट कमा रहे हो, कोई कह रहा है कि लॉस होगा, ठीक है, तो भी आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो एक और मसला है। उसके साथ किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो टैक्स लगेगा, ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो टैक्स लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, फॉरेन के एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, तो उसको किस हिसाब से करना है। और जितनी भी हमने ट्रेडिंग की है, चाहे वो BTC में है, इथेरियम में है या ऑल्ट कॉइंस में, तो ये पूरा बही खाता किस हिसाब से करेंगे। तो ये जो है ना, एक कह सकते हैं बहुत सिंपल सी चीज़ नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, और मेरे ख्याल से अभी हमारे पास 1 साल का वक्त है, तो कोई भी आप में से जल्दीबाजी ना करें, थोड़े से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमें टाइम देना चाहिए कि भाई इन सब चीज़ों को सोच समझ लो, अच्छे से देख लो, और जो एग्जैक्ट चीज़ है वो लोगों के पास दिया जाए। तो उसी के ऊपर मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन टैक्स कंसल्टेंट एंड ऑल। तो मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ, और बहुत लोगों को मैंने भी रिक्वेस्ट की है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन है, किस हिसाब से करना चाहिए और किस हिसाब से बंदा अगर ट्रेड कर रहा है तो किस हिसाब से कैलकुलेट करे, किस हिसाब से टैक्स फाइलिंग करना है, तो वो सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट हफ्ते भर का वक्त देना पड़ेगा, और उसके बाद से वो सारी पुख्ता चीज़ जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और अभी तो जितना आप लोग को पता है उतना मुझे भी पता है, और बाकी लोगों को भी पता है कि 30% का एक टैक्स लगाया गया है, और उसमें कोई स्लैब नहीं है, TDS है 1% का, ये फलाना फलाना चीज़ें। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे यहाँ पे एक डिस्कस करना है अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो टैक्स, लेकिन ये क्रिप्टो टैक्स के बाद ये बातें निकल के आई हैं। और यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने पोस्ट बजट सेशन जो बाकी जर्नलिस्ट थे उनके साथ जो एक इंटरेक्शन किया, प्रेस के साथ इंटरेक्शन किया, उसमें उनसे कुछ सवाल पूछे गए, उसका उन्होंने कुछ जवाब दिया है। तो उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत एक इंडिकेशन मिलता है कि वेदर गवर्नमेंट इज़ सीरियस ऑन क्रिप्टो रेगुलेशंस और नॉट। तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप चेक कर लो। नेक्स्ट, सी सेट दैट द गवर्नमेंट टैक्सिंग इनकम फ्रॉम डिजिटल वर्चुअल एसेट्स डिड नॉट गिव देम लेजिटिमेसी एंड दैट इशू वॉज बींग हैंडल्ड सेपरेटली इन द प्लान क्रिप्टो करेंसी बिल। शी ऑल्सो एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस डेट द बजट टारगेट्स आर अचीवेबल्स। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये जो बताया गया है, इट इज़ जस्ट टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम पीपल हु आर ट्रेडिंग इन डिजिटल एसेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि बहुत सारे लोग डिजिटल एसेट्स के अंदर ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, और इनका काम ये है कि आप किसी चीज़ के अंदर भी ट्रेड करो, यहाँ से पैसा लाओ, वहाँ से पैसा लाओ, आपके खाते में अगर कुछ पैसा आ रहा है, ठीक है, आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट एक एडिशन किया है कि डिजिटल एसेट्स के अंदर, वर्चुअल एसेट्स के अंदर अगर कोई भी ट्रेड कर रहा है, इसमें से इनकम हो रही है और जो क्राइटेरियाज बताए हैं उसको सामने रखकर आपको टैक्स देना है। ओके, द RBI विल बी इशूइंग ए डिजिटल करेंसी, ठीक है, ए करेंसी कैन बी इश्यूड ओनली बाई द सेंट्रल बैंक इवन इफ इट इज़ ए क्रिप्टो करेंसी। सिर्फ सेंट्रल बैंक के हाथ में ही है कि भाई वो कोई करेंसी इशू कर सकती है या क्रिप्टो करेंसी इशू कर सकती है, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता है। एनीथिंग आउटसाइड डेट दो वी रिफर टू देम एज करेंसीज दे आर नॉट सो। सेंट्रल बैंक के बाहर कोई भी व्यक्ति किसी चीज को अगर कहता है कि क्रिप्टो करेंसी है या ये है वो नहीं है,
उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि ये जितने भी क्रिप्टो एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट्स हैं, वर्चुअल एसेट्स हैं, इनकी बाइंग और सेलिंग हो रही है और उसमें से लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। तो जब लोग प्रॉफिट बना रहे हैं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है फ्रॉम टैक्सिंग देम, मैं उनसे टैक्स कलेक्ट ज़रूर करूँगी। टैक्सिंग डजेंट कन्फर ऑन देम लेजिटिमेसी, आप टैक्स पे कर रहे हो इस डजेंट मीन कि ये इसको लीगलाइज दिया है, लेजिट करार दिया है, ये नहीं है, ठीक है, क्लियर रखा है। बस आप टैक्स इसलिए पे कर रहे हो कि आप कहीं से प्रॉफिट कमा रहे हो। वी आर नॉट टैक्सिंग ए करेंसी दैट इज येट टू बी इश्यूड, एवरीथिंग आउटसाइड दिस इज एन एसेट क्रिएटेड बाई इंडिविजुअल्स एंड इफ प्रॉफिट्स आर मेड इन ट्रांजेक्टिंग दैट एसेट इट विल बी टैक्सड एट 30%। वी आर ऑल्सो ट्रैकिंग एवरी ट्रेड इन द क्रिप्टो वर्ल्ड बाई इम्पोजिंग 1% TDS। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कहा है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, और ये जो भी एक्स वाई जेड इंडिविजुअल्स ने कोई भी करेंसी लाई, कुछ भी कर रहे हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, 30% आपको टैक्स लगेगा। और हम इसको ट्रैक करेंगे, किस हिसाब से ट्रैक करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा था कि भाई ठीक है ट्रैक कैसे करेंगे। तो नाउ दे आर गोइंग टू ट्रैक यूजिंग TDS। ओके, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस पर 1% TDS लगेगा। सेलर हैं, सेलर का TDS हम सामने से यहाँ पे भरते हैं, ठीक है, ये सोच के भरते हैं कि सेलर भरेगा कि नहीं भरेगा, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए 1% TDS हमने भर दिया। ओके, इस हिसाब से वो उसको ट्रेस करेंगे कि भाई किसने किसका TDS कहाँ भरा हुआ है। वी हैव सर्कुलेटेड ए पेपर एंड आर रिसीविंग इनपुट्स, उनके पास अब डेटा भी शुरू हो गया है ना। पब्लिक स्टेक होल्डर्स आर ऑल्सो गिविंग देयर इनपुट्स, सो रेगुलेशन विल गो थ्रू डैट प्रोसेस एंड वी विल नॉट वेट फॉर रेगुलेशन टू टैक्स पीपल अर्निंग्स प्रॉफिट्स फ्रॉम सच एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि रेगुलेशन इज ऑन द वे, वो देर सवेर ज़रूर आएगा, बट उससे पहले जो लोग भाई कमा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, तो मलाई खाते खाते आपको उसमें टैक्स देना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर बहुत चीज़ों को बहुत क्लियर कट अल्फाजों में कहा गया है कि ऐसा है, क्योंकि जब हम एक लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं वहाँ पे लीगल वर्ड्स, लीगल टर्म्स यूज़ करते हैं जो थोड़े समझने में वो होते हैं, बट पोस्ट सेशन जो एक आमने सामने बातचीत होती है तो एक सरल लफ्ज़ों के अंदर सारी चीज़ें समझाई हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आप यहाँ तक पढ़ोगे तो आप में से हर एक कोई को ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो अगेन आप में से जो लोग भी एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के अंदर, या आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मेंशन कर दीजिए। उसके साथ ही आप मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट सेशन करेंगे जो ट्विटर स्पेसेस के ऊपर या यूट्यूब पे लाइव सेशन करेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़रूर बुलाएंगे और आप अपने व्यूज़ वहाँ पे ज़रूर लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और ये आज दूसरा दिन है, आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ी सी कम हो जाए, और अगर उनके अंदर थोड़ा सा डर है टैक्स से रिलेटेड वो भी थोड़ा सा कम हो जाए। भाई चिंता करने से कुछ नहीं होता है, वक्त तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे सामने आ जाएंगे, ईजी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, उसके ऊपर वर्कआउट किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगे क्रिप्टो पे, फॉरेक्स पे, स्ट्रैटेजीज़ के साथ, एनालिसिस के साथ। बिटकॉइन के एनालिसिस हमने 3-4 दिनों से नहीं किए, तो बिटकॉइन के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डालना बनता है, तो वो जल्द आज देर रात में आप लोग के साथ शेयर करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।